हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है मेरे और एक नए वीडियो में। और ये वीडियो मैं घर में बैठ के बना रहा हूँ, व्लॉग टाइप का वीडियो नहीं है। और वीडियो के प्रारंभ में मैंने आप लोगों को अर्घा के माध्यम से जलार्पण करते हुए कांवरियों को दिखाया। आपने देखा किस प्रकार का जो है नज़ारा था। हजारों के संख्या में श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से बाबा पर जलार्पण कर रहे थे और वो मैंने बाह्य अर्घा दिखाया था और सेम जो है अंदर में भी अर्घा लगता है और दोनों का जल बाबा बैद्यनाथ के ऊपर ही चलता है। तो आज मैंने आप लोगों को अर्घा क्यों दिखाया, क्योंकि आज का वीडियो जो है अर्घा से रिलेटेड ही है। सावन मेले की तैयारियां जोरों पर है क्योंकि महज एक महीना ही शेष बचा हुआ है सावन मेले में। और इससे पहले ही जो है अर्घा को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि अब जो है अर्घा का मरम्मती होना है। जो अर्घा के माध्यम से आप लोग जलार्पण कर रहे थे तो भीड़ इतना अधिक होता था, अर्घा जो है धक्का मुक्की में जो है अर्घा थोड़ा टेढ़ा वगैरह हो जा रहा था, तो उसको मरम्मत करने का जो है तैयारी चल रहा है, जिस कारण से अर्घा को कोलकाता भेजा गया है। जी हाँ, बाह्य एवं भीतरी अर्घा दोनों अर्घे को कोलकाता भेजा गया है, जहां पर अर्घा का मरम्मत होगा। उसके बाद जो है जब अर्घा वापस आएगा उसके बाद फिर से जो है अर्घा के माध्यम से सावन में जलार्पण होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूं किस प्रकार से जो है सावन में आप लोग अर्घा के माध्यम से जलार्पण करते हैं। आपको अंदर का भी अर्घा दिखाएंगे और बाहर वाला भी अर्घा दिखाएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये सावन के समय का नजारा है और सावन के सोमवार के दिन तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो इतने श्रद्धालुओं को मंदिर के अंदर ले जाकर जलार्पण कराना जो है संभव नहीं हो पाता है, जिस कारण से अर्घा का बंदोबस्त किया गया और अर्घा लगाने का जो है प्रारंभ किया गया। तो अर्घा दो जगह पर लगता है, एक बाहर में और एक अंदर में। अभी जो आप देख रहे हैं ये बाह्य अर्घा है, जहां पर कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं और बाह्य अर्घा का भी जल बाबा बैद्यनाथ के शिवलिंग पर ही जाकर चढ़ता है। देखिए किस प्रकार से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाह्य अर्घा के माध्यम से जलार्पण कर रहे हैं। देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, यही है बाह्य अर्घा और यहीं पर सब कोई जलार्पण करते हैं और ये जल बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग पर जाकर चढ़ता है। साथ ही अंदर वाले अर्घे पर जलार्पण करने के लिए आपको इस प्रकार से कतार में लगकर जाना पड़ता है। देखिए किस प्रकार का कतार चलता है और कतार बीच बीच में रुक भी जाता है, अधिक भीड़ होता है तो फिर रोक रोक कर कतार को धीरे धीरे आगे के तरफ बढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु कतार में लगकर आगे बढ़ रहे हैं बाबा के मंदिर के तरफ। और मंदिर में जाने के बाद भी यहाँ से आप बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में जो है प्रवेश करेंगे और वहाँ पर जाने के बाद आपको इस प्रकार से घूमते हुए जाना है और सामने के जगह पर अर्घा लगा हुआ रहता है, बस यहीं पर अर्घा लगा हुआ रहता है जहाँ पर आप जाकर इस प्रकार से अंदर वाले अर्घा से बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करेंगे और बाबा का दर्शन आप कर सकेंगे। तो देखा आपने, मैंने आपको अंदर वाला अर्घा भी दिखाया और बाहर का भी अर्घा दिखाया। अंदर वाले अर्घे में जलार्पण करने के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, बहुत लंबी कतार में लगकर आना पड़ता है। सोमवार को तो वो कतार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, आपको पूरा देवघर लगभग घूमना पड़ता है, जसीडी के लगभग आपको जाना पड़ता है, कुमेठा स्टेडियम होते हुए नंदन पहाड़ घूमते हुए बीएड कॉलेज होते हुए आप लोग आते हैं, उसके बाद जो है अंदर जाते हैं बाबा के मंदिर में और वहां पर जहां पर अर्घा लगा हुआ रहता है वहां पर जो है आप अर्घा के माध्यम से जलार्पण करते हैं और सामने आपको बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। वहां पर आप प्रणाम करके बाहर निकलते हैं और बाहर जहां पर निकलते हैं उसके बगल में ही जो है बाह्य अर्घा लगा हुआ रहता है, जहां से भी आप जो है बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण कर सकेंगे। जिनको लाइन में लगना नहीं है क्योंकि घंटों कतार में लगना पड़ता है, जिनको दिक्कत हो रहा है लाइन में लगने के लिए जो है उनके लिए ऐसा व्यवस्था किया जाता है हर वर्ष, इस वर्ष भी ऐसा व्यवस्था किया जाएगा, बाह्य अर्घा लगाया जाएगा जहां पर निकास द्वार रहता है, जहां पर जो है एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ रहता है उसके बगल में ही आपको बाह्य अर्घा देखने को मिल जाएगा। बाह्य अर्घा में भी जो आप जलार्पण करते हैं वो जल भी जाके बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर ही जाता है, बाबा बैद्यनाथ पर ही वो जल भी चढ़ता है। तो आप लोगों के सुविधा के लिए जो है बाह्य अर्घा का भी व्यवस्था किया जाता है। जो भी कांवरिये थक जाते हैं उतना दूर जो है कांवर यात्रा करने के बाद लाइन में लगने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि सोमवार को अगर आप जलार्पण करना चाहते हैं तो आपको रात भर लाइन में लगना पड़ता है, तो ऐसे कांवरियों के लिए, ऐसे माता बम के लिए जो है बाह्य अर्घा का व्यवस्था रहता है। बाह्य अर्घा पर जलार्पण कीजिए और सामने जो है एलईडी स्क्रीन पर आप बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कीजिए, आपका जल जो है बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ेगा। तो इस प्रकार से जो है जो अर्घा आपने देखा उस अर्घे का जो है मरम्मत होना है, जिस कारण
से अर्घ्य को जो है कोलकाता भेजा गया, वहाँ से जब अर्घा वापस आएगा और जब अर्घा लगेगा तो वो आप लोगों को आगे हम दिखाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा हो चैनल को उनके लिए देखिए ज्वाइन का बटन आ रहा होगा तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को और भी कांवरिया भाई बंधुओं तक, माता बहनों तक शेयर कीजिए, जो भी बाबा नगरी आएंगे सावन में उन तक शेयर कीजिए ताकि उनको पता चल सके इस वर्ष सावन मेले में क्या कुछ नया व्यवस्था होने वाला है सभी कांवरियों के लिए। तो चलिए फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं और एक नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ।